हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं और इसमें हम समझेंगे कैसे ऑर्थो, मेटा, पैरा इनको कैसे पता लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि रेजोनेंस करते ना तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। रेजोनेंस में कहीं उनका क्या होता है, थोड़ी सी गलती होती तो रेजोनेंस क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता है। तो लेकिन हमारा एक गलत होना, इससे बचने के लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ तुमको कि कैसे क्या करते हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड ऑर्थो, मेटा, पैरा, इनको कैसे पता लगाएंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस तुम्हें कुछ ही चीज़ों की याद रखना और कभी भी पूरे और इन केमिस्ट्री में तुम्हारा कभी भी ये चीज़ गलत नहीं होने वाला है। चाहे तुम जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर तुम स्टेट बोर्ड के में क्लास में हो, 11th 12th कोई भी क्लास में हो, सबसे बेटर ट्रिक बताऊँगा और इससे अच्छी कोई ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसके ऊपर मेरे ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना। आप लोग भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर ट्रिक को अच्छी लगे तो। ओके, चलो समझते हैं उस बात को। ये क्या ले ली हमने, एक बेंजीन ले ली। बेंजीन के ऊपर कोई जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा क्या है, मैंने ये को कह दिया एक्स और एक्स से जुड़ा हुआ है दूसरा कोई और, उसको कह दिया मैंने वाई। लेकिन जो एक्स से जुड़ा है ये बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक्स जो जुड़ा हुआ है वो क्या, डायरेक्टली बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस बात को समझो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, तो याद रखते थे फोन को, फोन भाई साहब को रखते ना, फोन, कौन से फोन, मतलब पी, फोन को इंग्लिश में मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है, मुझे थोड़ी इंग्लिश कम आती है तो मैं बोलता हूँ एफ ओ एन। बाकी मुझे भी पता है पी एच ओ एन नहीं होती, लेकिन मैं अपनी केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलता, एफ ओ एन, है ना। तो क्या बोलते हैं फोन, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना, ये पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। इसके बाद देखना हो तो क्लोरीन की कह देते हैं। ठीक है, हमें इन चार चीज़ों को बस याद रखना, इन चार को, बाकी तुम्हारा ऑर्थो, पैरा, डायटिन ऐसे चुटकी में बता के बोलोगे तुम्हारे टीचर भी शर्मा जाएंगे, इतने जल्दी मेरे आंसर कैसे बता दिया इसने। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। चलो देखो, एक्स और क्या है तुम्हारा, वाई। अब इसमें तुम्हें बस इतना सा याद रखना है कि अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मान y से ज्यादा तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या है बोला मैंने, अगर x की विद्युत ऋणात्मकता का मान अगर y से ज्यादा है तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होगा। ठीक, x की विद्युत ऋणात्मकता का मान y से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। अब x कौन है, ये x कौन है, जो कार्बन से डायरेक्टली, जो बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। ठीक, और अगर y की विद्युत ऋणात्मकता का मान x से ज़्यादा अगर x से ज्यादा तो मेटा डायरेक्टिंग तो क्या याद रखना, हमें बस इतनी चीजें से याद रखना और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अगर x की विद्युत ऋणात्मकता का मान y से ज्यादा तो ऑर्थो, और अगर y की विद्युत ऋणात्मकता का मान x से ज्यादा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब बस तुम देखो, जरा देखते चलो, बस एग्जाम्पल में यहां बनाता हूं, जरा तुम खुद बताना आंसर और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना, इस समझ में आया कि नहीं आया सभी लोग। ठीक है, चलो ये हमारा क्या लिखा है, फिनॉल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फिनॉल। अच्छा क्या होगा, देखो मैंने बोला x कौन, इसमें देखो जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा उसे क्या कहते हैं, x, ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये बाकी जितना भी लोग जुड़े हुए होंगे ये सब कहलाएगा y। अब देखो फटाक से, x की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा है या y की, तो ओ भाई सब आ गए, ओ मतलब इसकी ज़्यादा है, तो x की ज़्यादा है तो क्या कहलाएगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये किस टाइप का है, ऑर्थो पैरा है। ठीक, बात करते हैं बेंजल डिहाइड की।
जैसे लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। देखो इसमें क्या होगा, ये सी लगाने इस कार्बन से तो ये कहलाएगा एक्स, बाकी जितने लोग हैं ये सब कहलाएगा वाई। अब किसकी ज्यादा है, तो यहाँ एक्स सी क्या है तुम्हारा एक्स और वाई में कहना गया ओ, और ओ की तो ज्यादा होती है, जब ओ की ज्यादा है तो ये क्या वाई की ज्यादा है, वाई में वाले भाग में आया वाई की ज्यादा है तो क्या होगा ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसमें आ गया तुम्हारा मेटा में आ गया है। एक और लेते हैं, NH2 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन क्या है इस वाले बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे X, और जो बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा नहीं है इसको सबको इन सबको क्या कहेंगे Y। अब देखो इसमें X नाइट्रोजन तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो क्या कहलाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थो पैरा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से तुम और भी देखो निकाल के बताता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं लेता हूं बेंजोइक एसिड, देखो बेंजोइक एसिड में क्या होगा, ये बेंजीन वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसे कहेंगे X, इस बाकी को कहेंगे Y। देखो Y में ऑक्सीजन आ गया, और जब Y में ऑक्सीजन आया तो Y की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा, और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान Y का अगर ज्यादा तो कैसा मेटा वाले है, क्या है तुम्हारे मेटा वाले। अब एक कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा, अगर अकेला ही होगा तो क्या होगा, तो उसकी भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे लिखा क्लोरोबेंजीन, क्या लिखा है क्लोरोबेंजीन, जब अकेला ही है X अकेला ही है Y है ही नहीं तो X की तो ज्यादा कहलाएगी ना, और जब X की ज्यादा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये तुम्हारा खत्म कॉन्सेप्ट की दिक्कत, कोई खत्म ही नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस मेरे को बोलने का है कमेंट सेक्शन में, बाकी उसको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग को तुम लोग क्या कर सकते हो आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो ऑर्थो पैरा, और वाई की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान ज़्यादा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। ये पूरी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरीफाई होगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, ओके अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसके द्वारा उनको भी जो कन्फ्यूज़न होता है ना, उनका भी कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।